वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं चेतन गुली व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं घोघरा महादेव। घोघरा महादेव ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में आता है। नागपुर से 40 किलोमीटर दूर पे घोघरा महादेव है और पारशिवनी से 3 किलोमीटर आता है। आप अगर नागपुर से घोघरा महादेव जाना चाहते हो तो आपको मनसर रोड से जाना पड़ेगा। मनसर रोड आने के पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पर पेज की तरफ रोड जाता है पारशिवनी की तरफ, तो उस रोड से आपको आगे आना है। वहाँ से आगे आने के बाद आपको एक राइट हैंड साइड पे रोड आता है जो कि पेज की तरफ निकलता है। तो पेज आने के पहले ही आपको एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा घोघरा महादेव, तो वहाँ से राइट हैंड साइड पे आपको घोघरा महादेव के लिए जाना है, या फिर आप मैप में डाल के भी आप घोघरा महादेव सर्च कर सकते हो। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। आप देख सकते हो जिस तरह से भेड़ाघाट में मार्बल्स की पहाड़ियाँ बनी है, उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ छोटे पैमाने पर पहाड़ियाँ बनी है। बहुत ही सुंदर ऐसी पहाड़ी बनी है, पत्थर है जो पत्थर के ऊपर ऐसे ग्रेन से अलग अलग टाइप के आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। उस पर एक कला, जैसे कि हम लकड़ियों पे कलाकृति करते हैं उसी प्रकार के यहाँ पे पत्थरों पे डिज़ाइन बने हुए ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम पहुँच गए अभी मंदिर परिसर में। आप देख सकते हो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर बनाया गया और वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की गई है। मैक्सिमम हमारे पर्यटक यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर ऐसा भयंकर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। बाजू में नदी बहती है जो कि पेज की तरफ से आती है और बहुत ही सुंदर देखा हुआ देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो एक्सप्लोर करते हैं आगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी पत्थर थे उसमें कुछ कलाकृति बनी हुई है। ये सभी पत्थर नेचुरल है, यहाँ पे कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल पत्थर लगाए नहीं गया या आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें लगाई नहीं गई। ये सभी चीज़ नेचुरल है। दो पहाड़ी के बीच में से पानी गुजरता है और ये विहंगत दृश्य देखने लायक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार व्हाइट मार्बल होता है उसी प्रकार के यहाँ पे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम प्री वेडिंग के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पे जो फोटोशूट होता है बहुत सुंदर ऐसे फोटोशूट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की चट्टानें बनी है पत्थरों की, और पत्थरों की चट्टानी के साथ में दो पहाड़ों के बीच में से एक नदी गुजरती है जो कि बहुत ही सुंदर ऐसा देखा हुआ देखने लायक है। आप देख सकते हो प्रकृति रचना है। बारिश के समय आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे कि ये जो पहाड़ के पत्थर ही बने हैं इसके बीच में से पानी गुजरता है और वो उस समय तो और भी यह स्पॉट देखने लायक होता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप देख सकते हो ये पत्थरों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पत्थरों पे कलाकृति की है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे पत्थर देखने को मिल रहे हैं और पत्थरों पे लाइंस है जैसे कि ये मार्बल्स पे होती है लाइंस, ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे, ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर ऐसा देखा हुआ आप देख सकते हो। चलो हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। पर पहाड़ी में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बनाया गया। आप अगर नेचर लवर्स हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि कुदरत का एक कमाल है। यहाँ पे भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापित की है, उसी के बाजू में आपको शेषनाथ की मूर्ति देखने को मिलेगी और बहुत सुंदर ऐसा यहाँ पे नज़ारा देखने। आप देख सकते हो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको पत्थर की श्रृंखला देखने को मिलेगी और जब सूरज की किरणें इस पत्थरों पर पड़ती है तो ये पत्थर और भी शाइनिंग करने लगते हैं। उसकी बनावट ऐसे लगता है कि जैसे उसका एक बहुत सुंदर ऐसा कमाल आपको देखने को मिलेगा। बीच में एक तालाब जैसे आपको जो कि दो
जमा हुआ है। पहाड़ी के चट्टानों के बीच में से रास्ता बनाया गया है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ऐसा दिखा हुआ आपको दिखने को मिलेगा। जाके भगवान शिव केशनाथ की मूर्ति पर तुरबे बनाई गई है। यहाँ पे फोटो शूट बहुत ही सुंदर होता है, आप देखोगे कि जब भी आप यहाँ पे फोटो शूट करोगे तो बहुत ही सुंदर ऐसे फोटो शूट आता है, जो कि हमें सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार की पहाड़ी नदी ये हमें साइड में देखने को मिलती है, इसको सुंदर तरीके से एक्सप्लोर करना है और पूरा लुक उठाना है। यहाँ पे देख सकते हो आप नदी के बीच में से आने वाला पानी यहाँ पे जमा हुआ है, जो कि एक छोटे से तालाब जैसे दिखता है। और ये यहाँ पे फोटो बहुत सुंदर है, मैंने एक फोटो जो थंबनेल में डाली वो यहाँ की फोटो है, आप देख सकोगे कि बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे देखने को मिल गया आपको, फोटोशूट के लिए तो बेस्ट है। संडे और पब्लिक हॉलीडे के दिन आपको यहाँ पे ज़्यादातर करके भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो पहाड़ी की श्रृंखला बनी है वो बहुत सुंदर ऐसी पहाड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पत्थर है जिसपे लाइन्स बनी है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो ला सकूं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो अगर आपको यह वीडियो कैसे भी थोड़ा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हो मुझे। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ स्पॉट ऐसे है जहाँ पे आपको जाना मना है, क्योंकि वहाँ पे पानी की गहराई आपको पता नहीं होती, तो प्लीज़ रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एंजॉय करना है लेकिन रिस्क नहीं लेना है। तो प्लीज़ मेरे निवेदन सभी से, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी वीडियो देखे, कि यहाँ पे कुछ स्पॉट है जहाँ पे आपको अलाउ नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी आपको दूसरी खतरा करके वोट कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ पर नहीं जाना है। तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।